अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का लेक्चर नंबर 16, यूनिट नंबर हम 13 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 13.9 से 13.10 तक डिस्कस करेंगे आज हम इस लेक्चर में। तो 13.9 में आपके पास क्या आ रहा है? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन आपको पता है कि इलेक्ट्रो मीन चार्जेज एंड स्टैटिक मीन एट द रेस्ट। रेस्ट पे जो चार्जेस है वो किस तरह हमारे पास जो है उसको हमने एप्लीकेशंस में यूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट यूज़ होती है, आपके फोटोग्राफिक में यूज़ हो रही होती है, उसके अलावा आपकी फ़ोटोकॉपी की मशीन जो है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर ही बेस करती है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो पेपर होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जब आप उसको जो है फोटोकॉपी के मशीन के अंदर रखते हो तो उसके अंदर फोटोकॉपी मशीन के अंदर इंक होती है, एंड उसके ऊपर कौन से चार्जेस होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब आपने क्या करना है, इसके ऊपर कोई भी फोटोकॉपी मशीन से वर्ड को जो है वो प्रिंट करना है या कॉपी करना है, तो ये इंक के जो पॉजिटिव चार्ज हैं इस पेपर के ऊपर जो भी नेगेटिव होगा उसकी अट्रैक्शन से क्या करेंगे, वो उसको राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास फोटोकॉपी मशीन में यूज़ हो रहा था एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके फर्स्ट जो आपके पास एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। एयर क्लीनर में जो है वो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन फर्स्ट जो है वो यूज़ हो रही है। वर्किंग देख लेते हैं कि आप में इसमें क्या हो रहा होता है कि इट इज़ यूज टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल, एंड जो हमारे पास एलर्जी कॉज करते हैं उस पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम एयर क्लीनर को यूज़ करते हैं। हमारे पास जो इसकी वर्किंग है वो देख लेते हैं। वर्किंग में आपके पास क्या होगा कि प्लेट्स होंगी, जिस तरह आपने जो है वो कैपेसिटर्स को यूज़ किया था एज इट इज़, यही कैपेसिटर जो हैं यूज़ हो रहे हैं हमारे एयर क्लीनर में। ये प्लेट्स हैं, इसके अंदर आपके पास क्या होगा, एक मैश होगी। ये आपको क्या है, मैश, जिसके ऊपर क्या है, अभी कोई चार्जेस नहीं प्रेजेंट। प्लेट्स आपकी क्या है, न्यूट्रल। ये इसकी डायग्राम है कि एयर को कैसे क्लीन किया जाए कि उसमें से जो है वो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो रिमूव हो जाए। इसको ग्राउंडेड किया हुआ है हमने। प्लेट्स के ऊपर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे ही डस्ट पार्टिकल क्या है कि एयर पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल जो है इसके अंदर एंटर होगा, ये आपके पास एयर पार्टिकल है और इसके अंदर क्या है हमारे पास डस्ट है जिसको हमने क्या करना है, रिमूव करवाना है। जैसे ऊपर जाएंगे तो इस मैश पे जो है वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके पार्टिकल्स के ऊपर कौन से चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस किसको अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चार्जेस को, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस के साथ क्या हो जाएंगे, स्ट्राइक हो जाएंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो पार्टिकल्स निकलेंगे एयर के वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, यानी फ्री होंगे फ्रॉम डस्ट से। तो आपने देखा है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो था वो हमने बेसिकली, इंडक्शन क्या करता है, सेपरेशन करता है चार्जेस की। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट थे, अट्रैक्ट किया उन्होंने और वहाँ पे उसने एयर के पार्टिकल्स में जो था उसको न्यूट्रल कर दिया, डस्ट को रिमूव कर लिया। तो एयर क्लीनर में हमने एयर इज क्लीन की है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक,
जितने भी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल थे वो रिमूव हो गए। तो ये आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की फर्स्ट थी। सेकंड हमारे पास आ जाती है इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। यहां पे भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को यूज करेंगे। अब आपके पास क्या है कि एक जो है वो ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं पेंटिंग के लिए। इसकी डायग्राम देख लेते हैं हमारे पास कि एक जो है ये एरिया है, स्प्रे एरिया, इसके साथ हमने क्या किया हुआ है ऑटोमोबाइल्स के ऊपर जो है वो हमने पेंट करना है पाउडर को। ये आपके पास कार है, जिसके ऊपर आपने क्या करवाना है पेंट करवाना है। इस साइड को आपने क्या किया है ग्राउंडेड किया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास स्प्रे जिससे करवानी है वो मटेरियल प्रेजेंट है, ये इसकी नोजल है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास परसेंटेज होगी, यानी हमारे पास क्या होगा कि इसमें स्प्रे के पार्टिकल्स पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है कि एक जैसे हैं, तो वो एक अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास लाइक चार्जेस क्या करते हैं रिपेल करते हैं। तो ये आपको क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन की वजह से यहाँ पे ही आएंगे। यहाँ एरिया कम होने की वजह से एरिया जो है यहाँ पे कम है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो अमेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही हमने स्प्रे जो है लेके आए हैं अब स्प्रे करने वाले नोजल को, यहाँ पे कार के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो ये इससे क्या करेंगे स्टिक करेंगे। स्टिकनेस की वजह से क्या होगा इसकी सरफेस जो है वो स्मूथ होगी और पेंट जो है वो स्टिक रहेगा। तो ये आपके पास क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। हमारे पास क्या था कि यहाँ पे जब हमने स्प्रे के अंदर हमारा कौन सा चार्ज था पॉजिटिव चार्ज था, जब इसके पार्टिकल्स जो है वो यहाँ से नोजल से निकलेंगे तो उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। ये स्प्रे जो है जब इस कार के ऊपर की जाएगी तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव चार्जेस के साथ स्टिक हो जाएंगे। स्टिक होने की वजह से क्या होगी इनकी स्मूथ होगी और पेंट जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब क्या होता है कि हमारे पास नेल पेंट जो है अगर आप उसको रिमूव करो तो उसकी स्मूथ जो है वो सरफेस ईजीली रिमूव हो जाती है। यहाँ पर जो है ये रिमूव नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है वो स्टिकनेस जो है वो बहुत जो है अच्छे तरीके से की गई है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपने जो है एप्लीकेशन के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक की 13.10 में डिस्कस करना है हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। Hazards of electrostatic, इसके खतरात क्या हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं लाइटनिंग।
लाइटनिंग क्या होता है कि हमारे पास जो है क्लाउड्स में प्रेजेंट होते हैं चार्जेस। तो ये क्लाउड्स में जब है वो चार्जेस किस तरह प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर हमारे पास है वाटर वेपर्स, एंड एयर पार्टिकल। आपको पता था कि जब कोई बॉडी न्यूट्रल होगी उसको चार्ज बॉडी उसके करीब लेके आएंगे तो वो क्या करेगी, अट्रैक्शन जो है या रिपल्शन शो करेगी। इसी तरह दूसरा केस आपने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास क्या है कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसको रब करने से क्या होगा कि उसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, जो फ्रिक्शंस थी वो चार्जेस को प्रोड्यूस करवाएगी या वो उसको रिपेल करवाएगी। अब एयर पार्टिकल्स जो हैं वो इसके साथ स्ट्राइक करने से जो है हमारे पास रब करेंगे और यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे एयर भी आपके प्रेजेंट है। लाइटनिंग बेसिकली हमारे पास जो है वो हम क्लाउड्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। एयर पार्टिकल्स के अंदर जो थे पार्टिकल्स वो वाटर वेपर के साथ क्या किए, रब करने से उनके ऊपर चार्जेस डिवेल्प हो गए। अब ये चार्जेस किस तरह जो है वो अर्थ के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट को डैमेज करते हैं, स्पार्क होते हैं और दूसरा क्या करते हैं, एक्सप्लोजन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है ये चार्जेस जो हैं इतने ज़्यादा वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ चार्जेस ये हमारे अर्थ पे जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपके पास क्या है, अर्थ, और यहाँ पे जो है वो फॉल करेंगे। अब इसकी वजह से हमारी अर्थ तो थी न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो डिवेल्प हो गए। तो इसी तरह जब ये स्ट्राइक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, स्पार्क होगी और फायर जो है वो कॉज होगी। तो इसको हमने क्या देखा है कि लाइटनिंग में बेसिकली हमारे पास क्लाउड जो थे वो न्यूट्रल थे, लेकिन जब उसके अंदर वाटर वेपर्स और एयर पार्टिकल्स ने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज इतने वो इंक्रीज हो गए और है भी यहाँ पे क्या है, हमारे पास सेम चार्जेस हैं, और सेम चार्जेस ने इतना रिपेल बैक किया कि वो नीचे की तरफ जब आए यहाँ पे अर्थ पे, अर्थ पे आने की वजह से उन्होंने नेगेटिव चार्जेस को क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लाइटनिंग का जो है वो फिनोमिना अकर होगा। यहाँ पे हमारे पास ये आपने बता दिया है कि किस तरह जो है वो लाइटनिंग हो रही है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है कि हमारी जो है वो लाइट जो है वो डैमेज कर देती है किसी भी अगर बॉडी के ऊपर फॉल करे। तो आपने क्या करना है, कोई भी कंडक्टर जो है वो यूज़ कर लेना है, कंडक्टर ये आपके हाउस है, इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडक्टर लगा देंगे। अगर आपको याद हो तो हमने एल्युमिनियम की वायर को था उसको हमने ग्राउंडेड कर दिया था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ग्राउंडेड क्यों कहा था, क्योंकि हमें क्या चाहिए थे, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस चाहिए थे, नेगेटिव चार्जेस नहीं चाहिए थे। तो हमने एल्युमिनियम की वायर को क्या किया था, ग्राउंडेड किया था। यहाँ पे भी हमारे पास कंडक्टर जो हैं वो इसीलिए यूज़ होंगे कि जो चार्जेस जो है वो लाइटनिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करें और ना वो लाइट जो है वो पास आउट करें, तो कंडक्टर में से पास आउट हो गए वो अर्थ के अंदर चले जाएं। तो ये कंडक्टर क्या करेगा, हमारी प्रोटेक्शन करेगा उस हर्डर्स को ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के और लाइटनिंग को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लास्ट जो है इसका, हर्डर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में फायर एक्सप्लोजन, फायर एक्सप्लोजन्स, आग लग जाना, ठीक है, और धमाका। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगर बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा कि वहाँ पे आग लग जाएगी और उसकी डेफिनेटली क्या है कि हमारे पास जो है वो चीज़ें जो है वो डैमेज हो जाएंगी और फायर की वजह से क्या होगा हमारे पास कि आग लग जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पे जो है ऑटोमोबाइल्स, कार और ये आपके पास क्या है ऑयल, सीएनजी या पेट्रोल जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। जब आपको ये कहा जाता है कि पेट्रोल या आपने सीएनजी को फिल करवाना होता है तो उससे पहले कहा जाता है कि अपनी जो है वो ऑटोमोबाइल्स को बंद कर दे। क्यों कर दें? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के अंदर ऑयल होता है, वो हीट अप होने की वजह से उसमें चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब ये हमारे पास जो है ऑयल इसके अंदर जाएगा तो वो क्या होगा, स्ट्राइक करेंगे एक दूसरे के साथ और वहाँ पे क्या होगा, फायर जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे यही बेसिक मकसद है कि जब भी आप जो है वो उसको फिल करवाएं अपने ऑटोमोबाइल्स की जो है टेंकी को या फिर उसको जो है सिलेंडर को, तो आपने क्या करना है कि उसकी बंद करना है। बंद करने की वजह से क्या होगा कि ये हमारे पास जो स्प्रे के अंदर यहाँ पे आपके पेट्रोल के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो किसके साथ स्ट्राइक कर देते हैं, इस ऑयल के साथ जिसके अंदर क्या होते हैं नेगेटिव चार्जेस। इनकी वजह से हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है और फायर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ये आपके लास्ट जो थे वो टॉपिक्स थे 13.9 एंड 13.10। अब जो है वो हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स में हमारे पास आ जाता है 13.1, ये आपका क्या है होम टास्क होता है। मैं आपको न्यूमेरिकल्स के सिर्फ फार्मूला बताऊंगी। 13.1 में आपके पास फार्मूला जो यूज़ होगा n इक्वल है क्यू ओवर ई, n इज़ अ नंबर ऑफ चार्जेस, q आपके पास क्या है चार्जेस और e आपके पास क्या है एनर्जी। तो ये फार्मूला आप यूज़ करोगे, इसके अंदर आपको गिवन वैल्यू दी हुई है क्यू की और ई की, एन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। 13.2 में आपके पास दिया है एफ इक्वल है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। एफ आपके पास फोर्स है, क्यू वन क्यू टू चार्जेस हैं और आर स्क्वायर आपके पास डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस का। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स को आपने 13.2 में फाइंड आउट करना है, तो ये आप फार्मूला लगाओगे, इसके अंदर Q1 की वैल्यू भी आपको दी है, Q2 की भी और आर स्क्वायर की भी। इसी तरह 13.3 में भी हमारे पास यही फार्मूला लगेगा, 13.4 में भी आपके पास यही फार्मूला लगेगा। 13.5 में आपने क्या करना है न्यूमेरिकल में, उस न्यूमेरिकल में आपने वोल्टेज को फाइंड आउट करना है या पोटेंशियल डिफरेंस को, जो वर्क को डन बाय क्यू के वर्क डन जो है वो चार्जेस के ऊपर हो रहा है। 13.6 में आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ई इक्वल है क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी, ये वाला फार्मूला आप लगाओगे 13.6 में। इसी तरह 13.7 में आपने लगाना है कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है, ये आपके पास फार्मूला कैपेसिटेंस का क्या है Q ओवर V। 13.8 में भी हमने चार्जेस को जो है वो फाइंड आउट करना है, तो यही फार्मूला लगेगा, इसको अरेंज कर लेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा Q C ओवर V। 13.9 में आपने करना है इक्विवेलेंट जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास फार्मूला C1 प्लस C2 होगा एज इट इज़, ये हमारे पास क्या है सीरीज में है। और 13.10 में आपने पैरेलल में करना है, जो आपके पास क्या होता है C इक्वल है C1 प्लस C2 एंड सो ऑन CN तक। स्टूडेंट ये था आपका लास्ट का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है 2 टॉपिक को, और न्यूमेरिकल के जो है मैंने आपको फार्मूलाज बता दिए हैं, आपने वैल्यूज़ को पुट करके जो है खुद ये आपने सॉल्व करने हैं और ये आपका होम टास्क है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।